हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ट्रैवल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज है 4 जनवरी 2019। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर 4 जनवरी 2019 का। हमारा पहला करंट अफेयर है, मंत्रिमंडल ने विजय बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भी हाल फिलहाल में किस बैंक के विलय, किन किन बैंक के विलय को किसके साथ विलय करने के लिए मंजूरी दी गई। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला है एमएसएमई पर विशेष पैनल का गठन किया गया। ठीक है, एमएसएमई बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, 2-3 दिन से बार बार करंट में मुद्दे आ रहे हैं और अच्छा करंट भी आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। एमएसएमई पर विशेष पैनल का गठन किया गया। ठीक है, और जो इस विशेष पैनल के जो गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कहलाएंगे यूके सिन्हा। ठीक है, पैनल के अध्यक्ष होंगे यूके सिन्हा। पैनल में जो सदस्यों की संख्या होगी वो होगी 8, और जो पैनल का जो काम होगा वो है एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालीन समाधान पर सुझाव देना। वो एडवाइस देंगे, एक पैनल गठित किया जाएगा, उसके तहत वो एडवाइस देंगे कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से। अगला है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अप्रवासन चेक पोस्ट घोषित किया गया। ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, अंडमान और निकोबार की राजधानी। ठीक है, अगला है सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया है। आचरेकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनको 1990 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पंजाब के जालंधर में उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, तो जो है आप बता सकते हो पंजाब के जालंधर में। इसके विषय के बारे में पूछ सकता है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय इस बार क्या रहा। तो हमारा विषय इस बार रहा था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया था हमारे पीएम मोदी ने किया था। ठीक है, पीएम मोदी ने किया था और इनका ये 5वां संबोधन था इस कांग्रेस के, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान उन्होंने 5वीं बार अपना भाषण दिया था। ठीक है, अगला है वरिष्ठ कन्नड़ अभिनेता सीएच लोकनाथ का निधन हो गया। ठीक है, अगला है हेमंत भार्गव को एलआईसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला है सौरभ कुमार को आयुध कारखानों के महानिदेशक और आयुध निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला है कृषक बंधु योजना। ये पश्चिम बंगाल सरकार की एक योजना है, कृषि कृषक बंधु योजना। इस योजना के तहत 2 उप योजनाएं चलाई गई हैं, वो इस प्रकार हैं। पहली है मृतक किसानों के परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगला है किसानों को एक एकड़ जमीन पर एक ही फसल उगाने के लिए वर्ष में 2 बार 2,500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसकी उपयोजना है? ये है कृषि कृषक बंधु योजना की उपयोजना है 2। ठीक है, अगला है इसी में पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और इसके जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।